दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किस तरह से आप सैमसंग स्मार्ट टीवी को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप नया सैमसंग स्मार्ट टीवी परचेज करते हैं किस तरह से सेटअप किया जाता है, किस तरह से उसमें सैमसंग अकाउंट डाला जाता है और कैसे उसे एक्टिवेट किया जाता है, सारा कुछ इसमें हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह का यूजफुल कॉन्टेंट आप सबके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने टीवी को पावर में लगाना है, उसके बाद उसके पावर को ऑन करना है। जैसे ही पावर को ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्मार्टफोन से इसको सेटअप कर सकते हैं या अपने रिमोट कंट्रोल से इसे सेटअप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं स्मार्टफोन से सेटअप करना तो उससे भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं अपने रिमोट कंट्रोल से सेटअप करना तो उससे भी कर सकते हैं। मैं आपको रिमोट कंट्रोल से किस तरह से सेटअप किया जाता है वो करके दिखाता हूँ। दोस्तों सेटअप करने से पहले अपने स्मार्ट टीवी से आपके रिमोट को पेयर करना पड़ता है। तो पेयर करने के लिए सिंपली जो आपका रिमोट है उसमें आपका बैक बटन और प्ले पॉज का जो बटन है उसे वन टाइम प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे और रिमोट को टीवी के पास ले जाके प्रेस करना है तो ये डायरेक्टली आपको पेयर होने लगेगा। और ये देखिए मेरा पेयरिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही आपको कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्री में एशिया और यूरोप को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही कंट्री सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी आप कनेक्टिविटी किए हुए हैं टीवी के साथ वहाँ पे आपको शो होने लगेगा, या इसे स्टार्ट ऑटो सेटअप कर सकते हैं। स्टार्ट ऑटो सेटअप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्शन कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, या अगर आप इथरनेट कनेक्ट किए होंगे तो वो डायरेक्टली शो कर देगा, या यहाँ पे वाईफाई वगैरह आप कनेक्ट करके उसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। फटाफट से वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको टर्म एंड पॉलिसी को एग्री करना है, देन उसके बाद ओके कर देना है। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं या इसे एग्री करके आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है अपडेट चेकिंग करेगा, अगर आपके टीवी में अपडेट अवेलेबल होगा तो वो अपडेट उसी टाइम हो जाएगा, या अगर अप टू डेट होगा तो वहाँ पे आपको कोई तरह का अपडेट शो नहीं करेगा। यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, तो यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे सैमसंग अकाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। सैमसंग अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से अपने टीवी में डाला जाता है, मैंने उस पर पार्टिकुलर वीडियो भी बना दिया है। आप अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी सैमसंग अकाउंट क्रिएट करके रख चुका हूँ, सिंपली उसे लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने सैमसंग अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंट भी शो कर रहा है। सिंपली इसे गॉट इट कर देते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जो आपका सीरियल नंबर है उसे आप रजिस्टर कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको सर्विस में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, और उसमें आप पिन कोड वगैरह भी आप डाल के उसे रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि सर्विस अगर कभी भी करवाना हो तो वहाँ पे आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। मैं सिंपली इसे स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे वैसा अभी ज़रूरत नहीं है इसे रजिस्टर करने का अपने अकाउंट से। आप अगर नया टीवी लिए हैं तो उसे एग्री करके आप रजिस्टर कर लें अपने सीरियल नंबर को, और देन उसके बाद आपको पिन कोड वगैरह डालने का ऑप्शन आएगा, पिन कोड डाल के उसे सबमिट कर लेना है। जैसे ही पिन कोड डाल के आप सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्शन कनेक्टेड है, अकाउंट भी आपका लॉगिन किया हुआ है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप वॉयस कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको तीन तरह का वॉयस कमांड देखने को मिलती है, बिक्सबी, अमेजोन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। तो वन टाइम में आप एक ही वॉयस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए किस वॉयस कमांड को आपको यूज़ करना है, जो आपको बेटर लगे, जो आपको बेटर रिजल्ट देता हो उसे अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लेटर पे भी क्लिक करके आप बाद में उसे सेटअप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली लेटर पे क्लिक करके उसे मैं बाद में सेटअप करूंगा किस तरह से सेटअप करना है, तो सिंपली मैं लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। लेटर पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिंपली स्किप कर देते हैं। दोस्तों स्किप करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो टीवी है वो रेडी हो चुका है, पूरा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है इस टीवी का, और इसका आपको इंटरफेस ऑटोमेटिक खुलकर आ जाएगा आपके होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा इसका होम स्क्रीन खुलकर आ चुका है। नीचे आपका पूरा एप्लीकेशन का बार है, ऊपर में आपका होम। दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसमें आप गूगल असिस्टेंट का सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट को अगर आप वॉइस कमांड के थ्रू यूज करना है तो उसे सेटअप करना पड़ता है। उसे किस तरह का सेटअप करना है मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। सेटअप करने के लिए सिंपली हम सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाते हैं।
सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में जाने के बाद आपको वॉइस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। मैं अभी गूगल असिस्टेंट को सेटअप कर रहा हूँ, तो गूगल असिस्टेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। गूगल असिस्टेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट सेटिंग पे चले जाना है। देन उस पर ओके जैसे ही कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सिंपली उसे ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद अलाउ कर लेना है। अलाउ करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका वेबसाइट दिया हुआ है, किस तरह से आप डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने फ़ोन स्मार्टफोन से ही इसे सेटअप करना पड़ता है गूगल असिस्टेंट को। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है और क्यूआर कोड दिया गया है, दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली आप लिंक पे जाके टाइप करके उसे गूगल असिस्टेंट को सेटअप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके उसे सेटअप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन बेस्ट है, आपको जो बेटर लगे वो कीजिए। मैं फ़िलहाल क्यूआर कोड स्कैन करके इसे सेटअप करता हूँ। उसके लिए मैं अपने स्मार्टफोन को खोल लेता हूँ और गूगल पे जाके गूगल लेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही क्यूआर कोड स्कैनर को स्कैन कर लेंगे, देन यहाँ पे वेबसाइट खुलकर आ जाएगा, उसे ओके करते हैं। तो मेरे स्मार्टफोन में कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, सिंपली उसे कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा, उसे आप टर्न ऑन कर सकते हैं अपने पर्सनल रिजल्ट को, या फिर नो थैंक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सिंपली मैं नो थैंक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ लेता हूँ। जैसे ही नो थैंक्स पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको वेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा आएगा यू आर नाउ साइंड इन, मतलब आपका जो अकाउंट है वो टीवी में साइन इन हो चुका है। आप उसका यूज़ कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट का। तो मैं सिंपली एक वॉइस कमांड दे के दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे YouTube ओपन करने के लिए बोला तो ये डायरेक्टली आपका YouTube ओपन करके दे देता है। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है इसका वॉइस कमांड काफ़ी अच्छे तरीके से। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से सैमसंग के नए टीवी को सेटअप किया जाता है, किस तरह से उसमें अकाउंट को डाला जाता है और किस तरह से रिमोट वगैरह पेयरिंग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह का यूजफुल कॉन्टेंट आप सबके लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।